सर्वे में गया कि नृसिंह जी को टिकट नहीं मिल रही है और कोई महंत आएंगे। नमस्कार, मैं मानसी सैनी रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारत सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जो वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा से सांसद हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव भी दिलचस्प हो गया है और प्रत्याशी भी दिलचस्प हो गए हैं। महिला सशक्तिकरण वैसे ही भारत में इतना ज़्यादा देखने को मिलता है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी, दूसरी तरफ प्रत्याशी भावना पांडे जी जो फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे, और तीसरी प्रत्याशी सोनिया शर्मा जी जो बसपा पार्टी से हैं। तो मैम, आपको नहीं लगता कि क्या फिर से महिला भारी पड़ने वाली है इस लोकसभा चुनाव में हरिद्वार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले तो मैं आपको नृसिंह जी की बात बता दूं, नृसिंह जी की अभी टिकट कोई कंफर्म नहीं है। दो बार वो सांसद रहे हैं, जनता बहुत नाराज है और सर्वे में गया कि नृसिंह जी को टिकट नहीं मिल रही है और कोई महंत आएंगे। अच्छा, और कोई नेता यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। नृसिंह जी भी अंदर से थोड़ा टेंशनाइज है। जब से मैं आई हूँ, जब से मेरे हुडिंग है, मुझे खबर है। अच्छा। और अच्छी तरह निशंक भाई भी जानते हैं अच्छी तरह मेरी बोल्डनेस को। और मैं तो कहूंगी, भाई साहब 10 साल से आपने, अब एमएलए लड़ना, मुख्यमंत्री के सपने देखो। अच्छा। आप लोकसभा छोड़ दो, क्योंकि मैंने इनसे कहा कि 4 लोकसभा आपकी रही, एक लोकसभा पर उत्तराखंड की बेटी को लड़ने दो, आप मत आइए। मैंने त्रिवेंद्र सिंह भाई साहब से भी बात किया, रिक्वेस्ट किया, हरीश राव जी से भी रिक्वेस्ट करी है, और मैं निशंक जी से भी कहना चाहती हूँ कि आप टिकट के लिए मना कर दें। अच्छा, भावना पांडे जी, एक तरफ आप कह रही हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि टिकट के लिए ने मना कर दें, और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि बिल्कुल महिला सशक्तिकरण भारी होगा, लेकिन जिस तरीके से निशंक जी कार्य कर रहे हैं, महिला मोर्चा भी उनके साथ है, तो लग नहीं रहा है कि टेंस्ड हैं और चुनाव। मैडम, क्या कार्य कर रहे हैं आप भी बताइए। कल परसों 10-20 महिलाओं को लेकर झगड़े करा दिए। अच्छा। मीडियाबाजी होगी। आप बताइए, किसी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। किसी महिला को वो झगड़े जो हुए, हाँ मैं टीवी पे देख रही हूँ, लगातार पोर्टल पे देख रही हूँ। अच्छा। महिला एक दूसरे के बाल नोच रही है। अच्छा। अब चंद 20-25 महिलाओं को लेकर दिखाने, हो सकता है जानबूझ के बिना किया हो। आप 10 साल से, अभी मैं बता रही हूँ, हरिद्वार के अंदर इनका 5 साल से कार्यालय नहीं खुला है। अच्छा। 5 साल से आप देखिए इनका कार्यालय है कहाँ पर। 10 साल से इन्होंने किया क्या उत्तराखंड में, मुझे बताएं। इन नेताओं को तो मोदी जी पर भी शर्म नहीं आती। मोदी जी और नड्डा जी और क्या कहते हैं अमित शाह की इतनी मेहनत में पानी फेर देते हैं लोग, कोई काम नहीं करते। अच्छा। वो हिंदुत्व के नाम पर जीत जाते हैं लोग और भाजपा में रहकर काम नहीं करते लोग। तो जनता को जगाने की जरूरत है, जनता को नहीं पता है, क्योंकि जनता तो साथ सब मालूम है। मैडम, जनता को। अच्छा। आपको शायद कम होगा, जनता को सबको मालूम है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपके अकॉर्डिंग जनता को कितना मालूम है? कुछ, सब कुछ मालूम है। जहाँ जाती पता है, बताते तो है, नृसिंह जी तो मिलते ही नहीं है। मिलते ही नहीं है और हम ही नहीं मिलते। मैं तो खुद ढूंढ रही हूँ कहाँ पर उनका कार्यालय है। मैंने आपको बताया ना, 6 महीने पहले आते हैं लोग, 6 महीने पहले आते हैं, साल भर पहले आते हैं। सब जीने में भी तो चुनाव से कितने दिन पहले आ गए। देखिए, मेरी बात छोड़िए मैडम। मैं 2021 में पार्टी बनाई हूँ, ठीक है। मैं 25-26 साल रही हूँ दिल्ली। उसके बाद मेरा पलायन, रिवर्स पलायन हुआ है। अच्छा। जब मुझे नौकरी 2001 में 5 लाख रुपए मांगा गया, मैं वापस चली गई। उसके बाद जब मैं 2021 में आई हूँ, तमाम यहाँ आंदोलन को मैंने कवर किया। तमाम ये सारी बातें आपके, जब पिछले हमने जनता को अपने रूबरू करवाया था, आपसे तो मिलवाया था, लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, 3 प्रत्याशी मैंने गिनाए, रमेश पोखरियाल निशंक जी को आपने साइड कर दिया है कि कार्यालय नहीं है, सब चीजें, तमाम चीजें गिना दी है। दूसरे प्रत्याशी आती है सोनिया शर्मा जी जो बसपा से है। आप अभी उसका सोनिया छोड़िए, उसका सबका छोड़ दें, आप अकेले चुनाव लड़ेंगे ना। रुकिए, भाजपा की बात कर रही हूँ, भाजपा और कांग्रेस। बसपा का माया होती तो उत्तर प्रदेश में खत्म होगी। यहाँ क्या लेगी वो? बसपा का कोई जनाधार नहीं यहाँ पर। और जहां तक नहीं, जब सबसे बड़ी बात है, सोनिया शर्मा ने बसपा ज्वाइन करी है। अच्छा। तो विधायक उनके थे, वो तो शामिल थे नहीं। अच्छा। आप बताइए, बसपा का जनाधार क्या है यहाँ पर? या तो विधायक साथ होते, कि मैं मानती थोड़ा बहुत इनका जनाधार है, तो उसका तो आप बात ही करना छोड़ दीजिए। सोनिया की बात मत करिए, आप भाजपा और कांग्रेस की बात करिए मुझसे, और मेरी टक्कर होगी। कांग्रेस भी यहाँ पर कोई ढंग का कैंडिडेट नहीं आने वाला है इनके पास। हाँ, होगी तो भाजपा से टक्कर होगी, भाजपा से टक्कर होगी। और मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ, और सबसे बड़ी बात, आप खुद देखिए, आप रुड़की में रहती होंगी, आप 10 वर्ष से क्या हुआ है इस हरिद्वार क्षेत्र में, क्या हुआ ये बताइए। निशंक जी कल कह रहे थे, जब महिला मोर्चा का कार्यक्रम था एक जगह पर, जहाँ बहुत सारे पत्रकार लोग थे जो मौजूद थे, तो वो कह रहे थे कि आप घर घर में, पिछड़े इलाकों में भी जाइए और महिला से पूछे, घर मिला है, शौचालय मिला है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं के साथ कर, डंगे की चोट पर वो कह रहे हैं। नहीं, वेट करो भाई साहब, वेट करो। अभी मैंने एक मतपत्र ऐप बनाया है
और जिसका QR कोड आएगा और जनता 20 लाख जनता उसमें वोटर उसमें इस नंबर फीड कर रही हूँ, वो लोग QR कोड मेरा स्कैन करेंगे, उसके बाद जिसके घर में कोई सी समस्या है गांव गांव जाने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगी आपको कहां कहां आपकी जन सुविधाएं पहुंची है। चुनाव एक ऐसी चीज होती है भावना पांडे जी, जिस पर लोग बस रिस्क लेते हैं और कहीं अपना विश्वास दिखाते हैं और कहीं उम्मीद दिखाते हैं। भाजपा जनता पार्टी को भी जनता लगभग जाने कितने वर्षों से जानते हैं और कांग्रेस पार्टी तो अपनी पुरानी है, जनता कैबिनेट पार्टी पर जनता किस तरह से विश्वास दिखाए और क्या जनता रिस्क लेगी आपको लोकसभा चुनाव अभी में? क्यों नहीं रिस्क लेगी, अभी तो महीना महीना एक महीना हुआ है आप अच्छा। मुझे बताइए चुनाव अभी एक महीने से मेरे होर्डिंग लगने शुरू हुए, आज जनता को विकल्प चाहिए, भाजपा और कांग्रेस का विकल्प चाहिए। ये सीट हरिद्वार सीट एक ऐसी है किसी की नहीं है, समाजवादी पार्टी का कोई चुनाधार नहीं था, राजेंद्र कुमार पांडे जीत गया क्योंकि यहाँ पर मिक्स वोट है, ये यहाँ की जो विकास करने की जिस पर उम्मीद विश्वास करेंगे उसको एक तरफा वोट करके और सारी बिरादरी करेगी। आज मुझे सैनिकों का समर्थन मिल रहा है, आज मुझे गुजरों का समर्थन मिल रहा है, आज मुझे पालों का समर्थन मिल रहा है और पहाड़ के लोगों का तो उत्तराखंड के तो मेरे खुद में उत्तराखंड की पहाड़ की हूँ और दूसरा माइनॉरिटी के लोग, सबसे बड़ी बात ताज्जुब की बात यह है क्योंकि माइनॉरिटी को इतना समर्थन मुझे मिल रहा है सारी की सारी विधानसभा। लोग कहते हैं बहन जी पैसे विमर्श करके ना, जितने बिजनेसमैन है चाहे सैनी में कितने बिजनेसमैन है, होटेलियर है, कॉन्ट्रेक्टर है या गुजरों में है, मुझे तो लग रहा है कि मेरा चुनाव भी यही भाई लोग लड़ाएंगे। हालांकि मैं भी लड़ूंगी, मैंने भी अपनी एक आध प्रॉपर्टी बेच के लड़ूंगी, सबसे बड़ी बात माइनिंग प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाएगी चुनाव में। तो मैडम आप देंगे चंदा? भाई भाजपा और कांग्रेस के पास तो बहुत बड़ा चंदा है, कौन देगा चंदा मुझे बताओ? नई पार्टी को कौन देगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना, इन नेताओं ने तो अपनी बिल्डिंगें उत्तराखंड बेचा और बिल्डिंग बनाई और मैं अपनी बिल्डिंग बेच के उत्तराखंड बचाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल आप उत्तराखंड बचाना, उत्तराखंड बचाने की बात तो आप लगभग 22-23 सालों से कर रहे हैं। एक बात मैं और इसमें उत्तराखंड बचाने की बात में कर रही हूं, भावना पांडे जी कब से सुना एक मिनट, राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड की बेटी आपको बना रही हूं, कब से सुना? जब से आप कब से भावना पांडे के इस नाम के सामने लगता है, मुझे आप छोड़िए भावना पांडे जी मेरी बात सुनिए। जनता कहती है कि सरकार तो 10 दिन और 20 दिन पुरानी बात भूल जाती है और आप तो अभी कहना चाह रही हैं कि मसूरी और खटीमा के जो आंदोलनकारी हैं उनको न्याय दिलाना चाहती हैं, आपको लगता है न्याय मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा, जब जब यही नेता शामिल है उसमें तो कहां से न्याय दिला देंगे, इन्हीं के अधिकारी फंसेंगे उसमें जिन्होंने गोलियां चलाई थी। आप मुझे बताइए क्यों नहीं न्याय दिया अब तक भाजपा और कांग्रेस ने 27 वर्षों से 28 वर्षों से कहां न्याय मिला? कोई वकील खड़ा नहीं करते, लोग खड़ा ही नहीं करते, कागजी पता नहीं है। अब मैंने बतेरा प्रयास किया कि मुझे कागज मिले, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डालूं, पता ही नहीं उन कागजों का, मैं कहां तक लड़ू बताइए, कहां तक शहीदों, मैंने बहुत अपने आंदोलनकारी से बोला कि शहीदों वो दीजिए मुझे, मैं शहीदों को कुछ न्याय दिलाऊं, जब मैं इतने केसेस लड़ रही हूं इस ब्लैक मेलर के खिलाफ तो मैं अपने उत्तराखंड के शहीदों के लिए लड़ूं, मगर मुझे पता ही नहीं, फाइल कोई देता ही नहीं है और ये सब चीजें हैं। मुजफ्फरनगर गोलीकांड को सब भूल चुके हैं, हाँ कहती है ना, आप अपने आरोप लगाती है कि मुझे न्याय दिलाना है उन सैनिकों को, जबकि जनता कहती है तो सरकार तो भूल जाती है 10 दिन के कार्यक्रम। सरकार किसको वोट दिया जनता ने, आप मुझे बताओ ना, जनता ने सरकार कैसे बनी फिर भाजपा जनता पार्टी की? तो मैडम आपको बता रहे, तीसरा विकल्प तो है ही नहीं, यूकेडी के चार विधायक आए, कभी भाजपा में शामिल कभी कांग्रेस शामिल, खत्म हो गई यूकेडी का विश्वास खत्म हो गया, तो तीसरा विकल्प तो था ही नहीं उत्तराखंड में, कौन न्याय दिलाएगा भाजपा और कांग्रेस? क्या न्याय की जनता के लिए चलना चाहिए? भावना पांडे जी आपके इंपेशेंस को देखते हुए हमें लगता है कि आपकी लड़ाई से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पहले भी थी हालांकि आप छोड़ चुके हैं, तो लड़ाई पार्टियों से है या लड़ाई लोगों के लिए है, उनकी उम्मीदों के लिए है, उनके कार्यों के लिए है? देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं आज इन नेताओं से मुझे चिढ़ है, जब ये झूठ बोलते हैं फेसबुक पे, जब ये व्हाट्सएप पे ट्विटर पे झूठ बोलते हैं, तमाम प्रचार करते हैं झूठा मूठा, कुछ नहीं है जनता का, तमाम जनता परेशान है, आज नौकरियां भेज दी विधानसभा की, आज सचिवालय की नौकरियां भेज दी, आज तमाम घोटाले हर विभाग के घोटाले, आप जमीनें भेज दी, लड़कियों के साथ कितनी सुरक्षा, लड़कियां भेज दी, तमाम लड़कियां हमारी कहां, कितनी गायब हो रही सालों की, आप तमाम आपने स्पा सेंटर खोल दिए, होम स्टे खोल दिए, सब बाहर के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को क्या मिला बताइए? टेंडर आप बाहर के लोगों को देते हैं, आप मीडिया में आप देखिए, अभी मेरे को एक एक करके एक्सप्रेस हो रहा ना, अभी आप देखिए जितने पोल हैं यूनिपोल उतने इनके लूपोल है, सबके ये सब ब्लैकलिस्टेड कंपनियां वो नहीं कर सकती हैं, टेंडर फ्लोट नहीं कर सकती है, मीडिया 24 है और आपका मिडास है, बताइए साल स्टेला रखी है, दो दो साल का रिन्यूअल, तो बहुत बड़े घोटाले हैं
इस उत्तराखंड में बहुत सारे घोटाले हैं। मैं तो धामी भाई को इन्फॉर्म कर देती हूँ, उसको आगे उसकी इच्छा करना ना करना। फिलहाल हरिद्वार लोकसभा से सांसद का चुनाव 200% लड़ रही हूँ। उत्तराखंड की बेटी, उत्तराखंड के लिए एक विधानसभा लोकसभा जीतूंगी, उसके बाद काम करूंगी। आज मुझे कहना पड़ता है मुख्यमंत्री के यहाँ, उनके पीएस को, मैदान को, इसको फोन कर दो, उसको फोन कर दो, क्योंकि अधिकारी तो बाहर से लाते हैं, वो हमें क्या पहचानते हैं। इसलिए मुझे आज पावर माना जरूरी है, इसलिए कि मैं धक्के खाती हूँ अस्पतालों में, मैं धक्के खाती हूँ थानों में, मैं धक्के खाती हूँ पटवारी और एसडीएम कार्यालयों में, तो मुझे कोई पहचानता नहीं। विधानसभा चुनाव में सीट से हारने के बाद फिर से पुष्कर सिंह धामी जी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। मैम आप पूरी असंतुष्ट हैं, ऐसा नहीं है अगर सत्ता में है तो कुछ तो नियुक्ति की ही होगी, कार्य तो किए हुए, लेकिन जिस तरह धड़ल्ले से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया है, धड़ल्ले से कहते हैं भावना पांडे जी अगर जनता आपको मौका दे देती है, आप सत्ता में आ जाती है तो उसके बाद आपका पहला कार्यक्रम क्या होगा? इन अधिकारियों का सफाया होगा या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा? धामी जरा क्या करेगा, धामी तो अभी एक पहली बार का विधायक, दूसरी बार सरकार में बना। हाँ उसने मेहनत करी, उसके टेन्योर में भाजपा दोबारा से आई, उसको इनाम मिला। अच्छा। और इनाम मिला और एक साल से क्या कर लेगा, कभी कहीं चलाता है, कभी कहीं चलाता है, अकेला जब तक कॉकस खत्म नहीं करेगा। मैं धामी भाई को 50 बार बोल दिया, जब तक आप अधिकारी अच्छे नहीं लाओगे, तो वैसे भी नेताओं को सही बताऊं मैडम, एक मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री को नहीं कह सकता काम के लिए, बहुत बुरा हाल है इस उत्तराखंड में। सब सीनियर कैबिनेट मंत्री है, मुख्यमंत्री नहीं कह सकता, अधिकारी कुछ नहीं कह सकता, सब चल रहा है, गोलमाल चल रहा है सब। मैम देश तो एक बहुत पोलाइट वे से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देश एक बहुत बड़ी बात है जो कहते हैं कि संविधान से चलाया जाता है। जिस तरीके की आप बातें करती हैं, जिस तरीके की आप कहते हैं कि कुछ नहीं चल रहा, सब गोलमाल है, सब झोलमाल है, कुछ समझ में, तो फिर मुझे ये बताइए राज्य चल कैसे रहा है? फिर तो रुक जाना चाहिए, कुछ काम ही नहीं होने चाहिए। चल तो रहा ना, तमाम सड़कों पे औरतें हैं। अच्छा। सड़कों पे आपने आंदोलन नहीं खबर किए, लगता है रुड़की तक ही सीमित रह गई। आप आती ना देहरादून, आप देखना कितना देहरादून, देहरादून आती ना, देहरादून में जब आंदोलन करते एकता बिहार में, तमाम सचिवालय में कभी कोई मैंने नहीं देखा आपका कवर करते हुए, ना आप सचिवालय में आई, ना आपका विधानसभा आई, कितना बुरा हाल है। आप तमाम देख नहीं रही है, अंकिता हत्याकांड में आपने देखा नहीं है, अब किरण नेगी में देखा नहीं है, कैसे लड़कियां नदी में फेंकी जाती है। आप मुझे बताओ गड्ढे देखिए जरा, तमाम नौकरियां कैसी बेची है, आपको मालूम नहीं है? हत्याकांड से मुझे आपने आवाज उठाई, हत्याकांड के लिए क्या हुआ फिर? बिल्कुल उठाई, कुछ नहीं होता। मैं तो 50 बार सीबीआई जांच के लिए मांग करी, मैंने धामी भाई से बोला जाता क्या है भाई, पता नहीं इनका कोई वीआईपी कौन है, भगवान जाने, करते नहीं जांच तो क्या सर फोड़ेंगे इनके आगे कुछ? तभी तो कहती कुछ नहीं हो रहा है। आप मोदी जी बेशक अच्छा काम कर रहे हो, अमित शाह बेशक, मगर मेरे प्रदेश के नेता किसी काम का नहीं, ठोक के करियो और बिल्कुल सही करियो, कोई नेता किसी काम का नहीं है। और सामने बोलूंगी और मीडिया के सामने, और यही धामी के सामने बोलूंगी, ये जनता के सामने बोलूंगी। अच्छा ठीक है, पहली बार जब हमने आपसे मुलाकात कराई थी, जनता को रूबरू कराया था, तो आपने कहा था मैं सिर्फ आज होर्डिंग की जगह देखने आई हूं। हाँ। तो होर्डिंग की जगह देख ली? हाँ, जगह देख ली, लग भी गई है। अच्छा। पता भी चल गया, आप एक बार सर्वे कर लिए, घूमी आई है, दिखा है मैंने। दूसरा कदम क्या है आपका? आप दूसरा कार्यालय खुल रहे हैं। अच्छा। अभी कार्यालय घर ले लिया, अभी 14 विधानसभा में कार्यालय खुलेंगे सेकंड फेज, और उसके बाद जाके ब्लॉक वाइज खुलेंगे, फिर उसके बाद बूथ वाइज खुलेंगे। बूथ वाइज मैं शक्ति प्रदर्शन नहीं करना, ना मुझे मोदी को दिखाना है, राहुल गांधी दिखाना है, मैं तो जनता को नहीं प्रेस करूंगी, मैं खुद बूथ पे जाऊंगी कार्यालय बनाने और जनता की समस्याएं सुनूंगी। और समस्या के लिए तो मेरा अभी आपको बताया मत पत्र आने वाला है, जिसकी भी समस्या जो क्यूआर कोड मेरा वो करेगा वो समस्या मुझे ऐप लेके आ रही है। हां बन चुका है, बन चुका है, बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और क्या सुविधाएं लोगों को उस आपके मत ऐप से मिलने वाली हैं? मत पत्र से ये होगा कि जैसे किसी को कोई योजना कहते हैं आपके बीजेपी के लोग, अभी खुलेगी ना इनकी पोल पट्टी, अभी कहाँ कहाँ योजनाएं पहुंची है, 15,000 जितने गांव है ना, जितने उन गांव में पूछूंगी कौन कौन सी प्रधानमंत्री वाली योजना है, कागजों में घूमती है। लुड़की हम आपका जरूर इंतजार करेगा भावना पांडे जी, जब आप लोगों से पूछकर बताएंगे कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। आप मुझे ये बताइए, टक्कर है चुनाव में या लोगों के लिए चुनाव लड़ रही हैं? टक्कर है चुनाव में, लोगों के लिए चुनाव नहीं, समझी नहीं मैं। टक्कर है चुनाव में, भाजपा को खुली चुनौती दे रही है, मीडिया के सामने कह रही है, कैमरा के सामने कह रही है कि ये सब है, एक तरफ टक्कर हो गई कि लड़ना है और दूसरी तरफ है लोगों के लिए चुनाव लड़ रही है। देखिए मैडम ऐसा है, अगर पावर में आऊंगी तो मुझे धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, मुख्यमंत्री आवास, इसको फोन कर दो, उसको फोन कर दो, ताकि ये नेता अधिकारी मुझे पहचानेंगे। मुझे जनता की सेवा करनी है और आज भी कर रही हूँ, अस्पतालों में जाती हूँ, तमाम आपको शायद मालूम होना चाहिए कि तमाम एम्स के अंदर कितने पेशेंट मेरे हैं और इंद्रेश के अंदर कितने पेशेंट हैं। एक पेशेंट तो मर ही गया था अभी, 36 ईयर का, उनका चेक बनाया सीएम आवास से, वो कोलैप्स कर गया,
उसी दिन मेरा धामी भाई से बहुत झगड़ा हुआ, क्योंकि वो छोटे छोटे उसके दो बच्चे हैं, अभी एक कोमा में पेशेंट है तो मंगला माता के यहाँ काम करता है, मगर उसका इलाज का 45,000 का आयुष्मान कार्ड नहीं चला, मैं दे रही हूँ कहीं डायलिसिस कराने के पैसे। तो कोई बात नहीं, भगवान मुझे सेवा ले रहा है, मैं कोई नहीं हूँ देने वाली, मगर मैं पावर में आना चाहती हूँ, पावर में रहकर काम करना चाहती हूँ जनता के लिए, और इनका खुलासा करूंगी जो ये झूठ बोलते नेता झूठ बोलते हैं। और आज बता रही हूँ 200% आपके चैनल के माध्यम से 200% मैं लोकसभा सांसद जीत के जाऊंगी। यहाँ पर जनता त्रस्त है, महिलाओं युवाओं का जो समर्थन, इनको विकल्प चाहिए, इनके लिए काम करने वाले चाहिए, सबको पता मैं काम करती हूँ। एक नई लॉजिक वाली बात तो भावना पांडे जी के तर्क से निकल के आती है कि काम करना है काम करना है, लेकिन आप ये सुने कि काम करने के पीछे वो कहती है कि काम करने के लिए पावर में आना पड़ेगा। अब समझ में आता नहीं है, देश चलाने के राज्य चलाने के लिए अगर काम करना है तो पावर में आना पड़ेगा, क्योंकि इनके अनुसार बिना पावर के काम होता नहीं। कौन पूछ रहा है ना, आप धक्के खाते रहोगे एसपी ऑफिस डीएम ऑफिस, थाने वाले एफआईआर नहीं लिखते, एसपी ऑफिस में धक्के खाते रहोगी, डीएम ऑफिस में धक्के खाते रहोगी, सीएमओ आपको पहचाने का ही नहीं तो कैसे इलाज होगा। आपको जड़ तक जाइए, जो मैंने झेला है इन 3 सालों में मुझे मालूम है क्यों पावर जरूरी है, और इसलिए मैंने राजनीति। अगर मैम भावना पांडे जी, जनता इतनी झुलस रही है कि सरकार ने या जो सत्ता में पार्टी बैठी है जनता को झुलसा ही रखा है, पहचानता नहीं है, कार्य होते नहीं है, तो आप पर जनता विश्वास कैसे दिखाएगी? ऐसा ही जनता को क्या पता ऐसा लगे ना, अगर 2-3-4 बार होता रहा है रिपीटेडली, आपको लगा कि मैं बिना पार्टी में रहे बहुत काम करती हूँ, तमाम मुझे कोरोना वायरस का अवार्ड मिला हुआ है, आपको मानो 38 विधानसभा राशन बांटी हूँ, और उसके अलावा भी आपने देखा होगा एक लड़की अभी छोटे छोटे उसका फादर एडमिट था दिल्ली में, भीख मांग रही थी सड़कों पर, सरकार ने कुछ नहीं दिया, 1,11,000 का चेक दिया मैंने कैश, देहरादून बुला के जितना बजट होता है। मैं भी कोई बहुत पैसे मंगला माता या बड़े बड़े धन्ना सेठ नहीं हूँ, जितना मेरी कैपेसिटी जो मुझे लगता है बहुत जेन्युइन है, और बहुत ही ज्यादातर मैं काम करती हूँ कैंसर पीड़ितों पर, ज्यादातर आती हूँ अनाथों पर, जो अनाथ है जिनके आगे पीछे, और जिनके ये लगता है कि बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुत सीरियस फादर है जिसका कोई रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं उसके लिए। अच्छा भावना पांडे जी, एक बात मुझे और बताइए, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, मीडिया से रिलेटेड जो सवाल रहेगा, आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में सुशांत सिंह राजपूत की तो आत्महत्या बताया जा रहा था, लेकिन उस पर आपने भी टिप्पणी की थी कुछ मीडिया को लेकर, अगर हाँ उत्तराखंड में ऐसी मीडिया होती तो शायद इस तरीके की चीजें ना होती। जरा पूरा मुद्दा मैं जानना चाह रही हूँ, बहुत ही थोड़े से तर्क वितर्क उसमें मिले थे मुझे आपके, क्या क्या, क्या, क्या उत्तराखंड सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आपने कुछ मीडिया के लिए तर्क वितर्क दिए, क्या था कि 8 महीने तक लगातार आप सुशांत सिंह राजपूत का दिखा रहे हैं, और देखिए जो लोग नहीं भी सुसाइड करने वाला हो उसके दिमाग में भी आएगा, तो मीडिया को अच्छी बातें भी दिखानी चाहिए, एकदम 8-8 महीने आप सुशांत आपने फोकस किया था कुछ स्पेशल मीडियाज पर कि इस तरह की चीजें दिखाई गई, गलत बात है। मैं तो चाहती हूँ कि जैसे रेप की बातें, चोरी की बातें, भाग गई इसके साथ भाग गई या कोई सुसाइड कर लिया, इन चीजों को मीडिया को कम दिखाना चाहिए, जिससे समाज पे प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा ना कि क्या पता समाज जागरूक भी हो जाए। नहीं नहीं, जागरूक नहीं होता, जिसके आदमी जो है वो 8 महीने तक लगातार आदमी डिप्रेशन में आ जाता है उसको देखकर, जो नहीं भी करने वाला उसका दिमाग भी जाएगा यार मुझे भी कर, डिप्रेशन में लोग हैं आज, बेरोजगार लोग हैं आज, नशे में घुस गए लोग, तो मैं उससे तकलीफ आहत हुई थी इसलिए मैंने टिप्पणी करी थी। ठीक है, तो भावना पांडे जी के तीसरा कदम जानने के लिए फिलहाल कार्यालय खुल रहे हैं उनके, रुड़की में खोल रही है मैम? अभी रुड़की में भी खोलूंगी, 13-14 विधानसभा में खोलूंगी और 3-3 कार्यालय खोलूंगी, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ फेज पे हर बूथ पे मेरा कार्यालय होगा। अच्छा, भ्रष्टाचार से बिल्कुल तंग आ गई हैं आप? नहीं, मैं क्या तंग आ गई, जनता तंग आ रखी है उसके लिए काम करती हूँ मैं, जनता के लिए तंग आ गई हैं। मेरा क्या है, मेरे का मैं तो मैडम उत्तर प्रदेश में काम करती हूँ। उसके बाद तीसरा कदम क्या होगा आपका? कार्यालय खोलने के बाद फिर पब्लिक से मिलूंगी, लोगों से मिलूंगी। चलिए ठीक है, तो जब तीसरा कदम भावना पांडे जी उठा लेंगी होर्डिंग्स के बाद और कार्यालयों के बाद, तो फिर आपको भावना पांडे जी से मुलाकात करवाते हैं, लेकिन एक